प्रणाम नाज़िम, इस वक्त हम आई टी सी एन एशिया के अंदर मौजूद हैं और मंशा ब्रदर्स के स्टॉल पे हैं। वैसे साहब हमारे साथ हैं, बहुत खुशी हुई मंशा ब्रदर्स का क्या नेम और टारगेट है इस एग्जीबिशन के हवाले से? सर देखिए, एग्जीबिशन के हवाले से जो सभी लोगों के टारगेट्स होते हैं वो तो ये है कि हम लोग उस कस्टमर को जो मजीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो नई प्रोडक्ट्स आ रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे डिस्प्ले भी की हुई है। और ऑब्वियसली बिज़नेस का जो एक सेक्टर है वो तो है ही है कि आपका बिज़नेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है, बिजनेस जनरेट होता है, लेकिन जो उसका मेन टारगेट होता है वो यही कि कस्टमर को मोटिवेशनल या जो लर्निंग है कस्टमर की, प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू है, वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दावा का डिस्प्ले में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ANPR कैमराज इंस्टॉल किए हुए, फेशियल रिकग्निशन वाले कैमराज इंस्टॉल किए हुए, थर्मल कैमराज हैं, पीपल काउंटिंग वाले कैमराज हैं, और कुछ हम लोगों ने सेफ सिटी के रिगार्डिंग जो अभी सबकी नीड्स है सेफ सिटी के लिए, उसके हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के फीचर्स अवेलेबल है, वो हम लोग यहाँ पर लोगों को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके लिए एजुकेट कर रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन पासिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मंशा ब्रदर्स और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? सर मंशा ब्रदर्स का जो मेन बिज़नेस है वो सिक्योरिटी है, उसके साथ हमारा वॉइस का सिस्टम है, वहाँ पे हमारे पास NEC का स्टॉल है, NEC में PBX अवेलेबल है, हमारे पास अनइंटरप्टेड UPS APC के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास ITC ब्रांड है, और इस तरह के हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस के ब्रांड्स हैं जिनकी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आप जब सेफ सिटी की बात करते हैं और कैमराज की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ आमतौर पर लग तो जाते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस नहीं है, तो वो उसका फॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ जाता है या सप्लायर की तरफ जाता है? देखिए सप्लायर का तो इसमें कोई होता नहीं है, सप्लायर ने आपको इंस्टॉलेशन करके आपको हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट, उसके बाद मेंटेनेंस अगर आप सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में देते हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अदरवाइज तो ये है कि जब हमने सिस्टम लगा के आपको दे दिया तो उसकी मेंटेनेंस आप लोगों ने खुद करनी है, उसकी टेक केयर करनी है, सिस्टम नहीं चल रहा तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हमारी हेल्प चाहिए तो वी आर अवेलेबल, हमारी सपोर्ट्स में अवेलेबल होती है, हमारे साथ प्रिंसिपली सपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं चाइनीज़ मौजूद हैं हमारे साथ, और कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर जहाँ पे हमारी सपोर्ट जो है वो हमें जो है वो फील होता है कि हमें प्रिंसिपली सपोर्ट लेनी चाहिए तो ही अवेलेबल, इनके ऑफिस लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, इनके ऑफिस अवेलेबल है, हम लोग इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये लोग भी सपोर्ट अवेलेबल है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह जब लग जाता है सिस्टम तो फिर चलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।